हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा 10 बार 9वीं की गणित है, कक्षा 9वीं गणित अध्याय 5 है और पाठ का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और इसमें हम आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 30 क्वेश्चन देंगे इस अध्याय से बनाकर, 30 मोस्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। और ये आपका भाग वन है, इसमें अध्याय भाग वन में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, भाग वन में हम आपको दे रहे हैं 8 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे हैं, ये हमने बिल्कुल प्रश्न बैंक से लिए है, ठीक है, प्रश्न बैंक है, तो आपने यहाँ पे सॉल्व भी करवा दी, कुछ हमने बनाकर भी लिखे हैं और भी हम आपको यहाँ पर 8 हो चुके हैं, हम आपको इसके बाद 22 और इसके रहेंगे तो 22 और आपके करवा देंगे अगले वीडियो में। और जी आप क्वेश्चन देखो, आपको कैसे इनको सॉल्व करने का देखो, आपको बता दें जी प्रश्न कहाँ से बने हैं, पूरे प्रश्न बने हैं और बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले थी का है ना, जे आप लोग पढ़ लिया करो, जिसने यहाँ पर जे है ना यूक्लिड का परिचय, तो ये भूमिका से लेकर पूरा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सूत्र भी जानते हैं आप सभी जानते हैं कि पिरामिडिक एस ठोस आकृति जो इसका आधार एक त्रिभुज वर्ग या कोई भी अन्य बहुभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन वैसा ही है, जैसे देखो पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता, क्या क्या आधार नहीं होता, आधार होता क्या, त्रिभुज होता है, अभी बताया त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, कोई भी अन्य बहुभुज भी हो सका, और रेखा बस नहीं होता, का नहीं होता, रेखा नहीं होता उसका आधार, और उसका आधार का रहा त्रिभुज रहते का आधार, वर्ग भी आधार हो सका, बहुभुज भी आधार हो सका, कोई भी बहुभुज, लेकिन रेखा का वो आधार नहीं हो पिरामिड का, तो इसमें से रेखा ऑप्शन इसका राइट हो जाए, बाकी गलत हो जाए, ठीक है। सही कौन है आपका, देखो इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, यहाँ पर लिखा है, आप लोग पढ़ते नहीं है, देखो यहाँ पढ़ लिया करो, जी लिखा पेज नंबर है 71 के नीचे लिखा जी, यहाँ आपको ये पूरी लाइन पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से अब आता है, निर्माण काल में प्रयोग किए जाने वाले ईंटों भट्टों पर पकाए बनाए जाते हैं और ईंटों के अनुपात दो यार, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट के लिए अनुपात लंबाई चौड़ाई और मोटाई का क्या अनुपात था, तो देखो ये लिखा है 4:2:1 था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4:2:1 है, तो ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन, कहीं नहीं बिल्कुल यहीं से बनते हैं बिल्कुल सूत्र, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और जी गणितज्ञ थैल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पर पेज में मिल जाएगा, यहाँ पर ये दो ठीक बब्बा से बने थे, ओके नीचे लिखो, एक यूनानी गणितज्ञ थैल्स को श्रेय दिया जाता है, उन्होंने पहली ज्ञात उत्पत्ति प्रदान की थी, यह उत्पत्ति कथन की थी कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। थैल्स का एक सबसे प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस था, कौन था, थैल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य मतलब सबसे अच्छा शिष्य थैल्स का कौन सा था, पाइथागोरस था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त कई ईंटों के अनुपात अभी बताया था हमने, 4:2:1 होता, ठीक है। पिरामिड एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता है, तो किस आधार कौन नहीं होता, भैया रेखा बस नहीं हो तो और कौन भी बहुभुज आ जाए, तो बहुभुज रेखा नहीं कहलाता, कैसे बहुभुज वही हो जिनमें दो बार तीन रेखा खंड से मिलकर जो आकृति बने वो बहुभुज है, तो जी बहुभुज है और कोई बहुभुज, लेकिन त्रिभुज और वर्ग तो मैंने कहा और कौन भी बहुभुज आधार हो सकता, लेकर रेखा आधार न रहेगी पिरामिड की। तो यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है, भैया इसका ऑप्शन डी है 13 अध्यायों में विभाजित किया हुआ, इसको हम बता दें यहाँ पर कहाँ पर है, और जे आपको देखना है यहाँ पर देखोगे पेज नंबर आपको कितना 72 और 72 के नीचे भी आपको यूक्लिड का चित्र बना है ना, यहाँ पर यूक्लिड का चित्र, तो इनमें लिखा है एलिमेंट्स नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ के रूप में विस्तृत किया है, उन्होंने एलिमेंट्स को 13 अध्यायों में विभाजित किया, ठीक है, प्रत्येक पेज को उसने पुस्तक का नाम लिया था, ठीक है, प्रत्येक पेज को जितने पृष्ठ है प्रत्येक पृष्ठ या पेज बोलो जिन्हें प्रत्येक को पुस्तक माना जाता है, ठीक है। और इसमें तो क्या था 13 हो गया ना उसका, यूक्लिड आपने प्रसिद्ध करती है एलिमेंट्स को कितने टाइम विभाजित किया 13 इसका ऑप्शन है। और यूक्लिड कहाँ के थे भैया, यूक्लिड थे मिस्रवासी थे, कहाँ के थे मिस्र के थे, मिस्रवासी, और तो यूक्लिड तो यूनानी थे लेकिन यूक्लिड का थे मिस्रवासी थे सॉरी। और
सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा जे, आपके अभिगृहित हैं। ठीक है, अभिगृहित है तो ये आपको अभिगृहित याद करना होगा। ठीक है, ये अभिगृहित आपका कहना है जी, आपका अभिगृहित चौथा अभिधारणा है, चौथी अभिधारणा है। ठीक है, चौथी अभिधारणा आपकी ये है, तो अभिधारणा चौथी अभिधारणा तो देख लेना। सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता जे, तो आपका ये क्या अभिगृहित है, जे आपका अभिगृहित क्या है? पांचवा अभिगृहित है। ठीक है, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट। और अभिगृहित आपको इसके सबरे याद करने, अभिधारणा याद कर लेना, पढ़ लेने एक एक सबरे, अभिधारणा अभिगृहित जे आप पढ़ लोगे ना तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी इस अध्याय से। ऐसे क्वेश्चन आना। और वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, असमान होते, छोटा होता, बड़ा होता, क्या होती हैं बता? वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होती हैं, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती, वे वस्तुएं जो संपाती हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे की क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। जो अभिगृहित है आपका क्या अभिगृहित है? जे आपका अभिगृहित है चौथा है, बिल्कुल इस अभिगृहित के ऊपर का है चौथा अभिगृहित, जे पांचवा अभिगृहित। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं, जे आपको इतना याद रखना, बाकी आपको जो सब अभिधारणा अभिधारणा अभिगृहित जी आप लोग पढ़ लोगे ना पूरी, तो इस अध्याय से कोई आपका विकल्प एक भी ऑब्जेक्ट गलत नहीं होगा। और इसकी आपको भूमिका भी पूरी अच्छे से पढ़ना, जितना इसमें भाषा लिखी है ना, बहुत सी भाषा लिखी इसमें लैंग्वेज में, ज़्यादा इसी से ऑब्जेक्ट आते हैं, सत्य सत्य यहीं से बनेंगे, कहीं और से नहीं जाएगा अभी लेके। और दोस्तों आपने तैयारी अच्छी बना रखें, और इसे हमने बता दिया आपको, ये भाग वन में हमने 8 ऑब्जेक्ट दे दिए, बाकी हम आपको भाग टू में ले आएंगे 10-12 ऑब्जेक्ट और दे देंगे, तो आपके लिए तो 20 हो जाएंगे लगभग, फिर 10 और बचेंगे तो हम दे देंगे और भाग 3 में। ठीक है, टेंशन मत करना, आप लोग पढ़ते रहो, कोई चीज़ की कछु भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको वो हाजिर कर दें अगर कछु भी चीज़ की कमी हो, और जो कुछ ना बने तो कमेंट करते जाइए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।